जो टकसाली में रहने वाले लोग, वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो हमने बहुत रियल वे में दिखाई है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है टकसाली गेट में से निकली हुई, और इसको बनाने में हमने जो है ना बड़ी मेहनत की है। बहुत नर्वसनेस है मुझे, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ, ये लोग एक्टिंग के माशाल्लाह बादशाह माने जाते हैं, बेताज बादशाह हैं ये सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि फ़िल्म टकसाली गेट जो है वो सिनेमा घरों में फ़ाइनली रिलीज़ होने जा रही है, और इसका जो टीज़र और ट्रेलर है वो इतना ज़बरदस्त है और क्लासी है। तो जो इस फिल्म की हीरोइन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है जी आयशा उमर। और आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अमरीन, हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म हमारी फ़ाइनली अब मुल्क हमारा देखेगा, हमारी आवाम देखेगी, बहुत एक्साइटेड हैं हम। आयशा, ये बताइएगा कि ये जो टकसाली गेट है, इसमें आपका जो लुक्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं, रूटीन से हट कर हैं, तो ये किरदार, ये फ़िल्म, ये कहानी कितनी रूटीन से हट कर है? रूटीन से हट कर है भी, और थोड़ी सी मतलब रियलिटी के भी बहुत करीब है, क्योंकि जो टकसाली में रहने वाले लोग, वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो हमने बहुत रियल वे में दिखाई है, उसको हमने ग्लैमराइज नहीं किया, वो एक रियलिटी से बहुत करीब है। ग्लैमराइज ऑफ कोर्स फिल्म के लिए एक ग्लैमर ऐड तो होता है, इट्स लार्जर देन लाइफ। और जो मेरा कैरेक्टर है, वो मैंने और अबू अलीहा ने और कासिम लियाकत, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट और मैं कहूँगी स्टाइल भी उन्होंने किया है मुझे, और हमने मिल के ये कैरेक्टर डेवलप किया। और मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल ऐसी ना लगूं जैसे मैं अपने दूसरे कैरेक्टर्स में लगी हूँ, जैसे खूबसूरत का जो कैरेक्टर है 14 साल से आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उससे तो बिल्कुल ही हटकर है, और भी जितनी मैंने फिल्म्स की हैं उनसे बहुत हटकर है। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये लुक क्रिएट करने में, और लोगों को भी देख के टीज़र और ट्रेलर में बहुत डिफरेंट लगा है, मुझे बहुत फीडबैक मिली है इसकी, और बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग। मेरे अपने दोस्त, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है, यू नो, कि ये ऐसी चीज़ हमने कभी नहीं देखी, सो काफ़ी हटकर है। आयशा, ये बताइएगा कि यकीनन ये रूटीन से हटकर ही लग रही है फिल्म, कहानी, आपके लुक्स, इवन सबके लुक्स, तो ये बताइएगा कि ये किरदार कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था आपके लिए इसको करना? चैलेंजिंग इसलिए इस तरह था कि जिस एनवायरनमेंट में हम शूट कर रहे हैं, जैसे टकसाली के अपनी हवेली में, वहाँ मोहल्लों में, तो वहाँ पे शूट करना इज़ नॉट ईज़ी, यू नो, आप फैंस को भी आप वो कर रहे हैं, साथ साथ उनके साथ भी घुल मिल रहे हैं, फिर इस कैरेक्टर में जितनी रॉनेस है, ग्रिटीनेस है, और जितना अपनी आई वुड से इनहिबिशंस को ख़त्म करके सेल्फ कॉन्शियस ना हो के करना, तो उतना चैलेंजिंग था। फिज़िकली चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीन्स में बड़ा अग्रेशन भी है इस कैरेक्टर में, और कुछ सीन्स में बहुत ये ब्रेक डाउन करती है, तो फिज़िकली चैलेंज भी था, इमोशनली भी था। टकसाली गेट जो फिल्म है वो दूसरी फिल्मों से किस तरह से डिफरेंट होगी, और यासिर, इसमें जो आपका कैरेक्टर है वो किस किस्म का? ये फिल्म जो है टकसाली गेट, वो एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, बड़ा पावरफुल स्क्रिप्ट है इसका, और बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंसेज हैं एक्टर्स आपने देखे हैं इसमें, उमर हैं, आयशा उमर हैं, और नैयर एजाज साहब हैं, बाबर अली हैं, मेहरबानो हैं, और भी इफ़त उमर साहिबा हैं, बहुत सारे, और इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, तो ये सारे बड़े नाम हैं और बड़े ज़बरदस्त फनकार हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है टकसाली गेट में से निकली हुई, और इसको बनाने में हमने जो है ना बड़ी मेहनत की है, और इसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा नहीं ये कोई पाकिस्तानी फिल्म है, हालांकि ये एक इंतहाई पाकिस्तानी फिल्म है, मगर पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बनती नहीं है अब तक, तो ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो पाकिस्तान में बनी है, वेरी मच पाकिस्तानी है, मगर लगेगा कि किसी बाहर से आके बंदे ने बनाई। यासिर, ये फिल्म कहाँ कहाँ शूट हुई है, और इसका नाम टकसाली गेट ही क्यों रखा गया? ये फ़िल्म का नाम टकसाली गेट इसलिए है क्योंकि ये कहानी टकसाली गेट के लोगों की है, और ये टकसाली गेट में ही शूट हुई है। अच्छा,
हाँ जी, ये लोकेशन वही है, टकसाली गेट ही है, तो इसलिए इसका नाम टकसाली गेट रखा है हमने। अच्छा उमर, सबसे पहले आप ये बताइएगा, आपकी मूवी आ रही टकसाली गेट, तो पहली मूवी है और फिल्मों में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कितना डिफरेंट होता है? टीवी पे भी आपने काम किया है तो उससे कितना मुख्तलिफ ये एक्सपीरियंस है? और टकसाली गेट के हवाले से हमें कुछ बताइए, कैसा इसमें आपका किरदार है? इससे पहले भी मैंने कुछ फिल्मों में जो है वो थोड़े थोड़े काम किया, मतलब वो इतना मेजर रोल नहीं किया था तो इस वजह से वो नहीं इतना हाईलाइट हुआ, लेकिन ये जो है ये प्रॉपर वो कैरेक्टर है मुझे दिया गया है हमारे डायरेक्टर की तरफ से, जिसमें आपको एक्टिंग का मार्जिन भरपूर मिलता है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं ये जो मार्जिन है उसको पूरी तरह से यूज़ करूं। बाकी इसमें किरदार मेरा जो है वो मैं आपको इस तरह से भी बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो वो उस फिल्म का जो क्रक्स है ना मेन, वो थोड़ा सा आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा, मतलब स्पॉइलर मिल जाएगा, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि बचा के रखा जाए अभी ना बताइए। अच्छा ये बताइएगा, इस किरदार को करने के हवाले से आपकी क्या तैयारी रही और कितना मुश्किल किरदार था? तैयारी के अगर हवाले से हम बात करें तो हमारे डायरेक्टर जो थे वो उनके माइंड में ना उनके विजन में बहुत क्लियर था ये कैरेक्टर, उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का तुमने ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है। फिर उसके बाद होता है कि आपकी कुछ सजेशंस होती हैं जो हर एक्टर की होती हैं, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप एक कैरेक्टर को विजुअलाइज़ करते हैं अपने माइंड में तो आपके पास कुछ आइडियाज़ आते हैं, तो वो आइडियाज़ जब आप अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करते हैं तो अगर तो वो उन्हें समझ आ रहा है कि उनके जो विजन के कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा तो फिर वो मना कर देते हैं, अगर नहीं हो रहा तो फिर वो कहते हैं कि सही है जाने दें, लेट्स डू इट। तो इसी तरह से है कि उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे क्लियर कर दिया था कि मुझे इस किरदार के अंदर ये चीज़ें चाहिए, बाकी जो आपको लगता है कि उस टाइम पे बेहतर आ रहा है या हम जब परफॉर्म कर रहे होंगे कुछ और चीज़ें होता है ना, कभी कभी आप फील में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको पता चलता है, तो उन्होंने बिल्कुल उस लिहाज से मुझे पूरा मार्जिन दिया, पूरा मुझे सपोर्ट किया, तो मेरे लिए अच्छा रहा। अच्छा ये बताइए, बड़ी स्क्रीन पर ख़ुद को देखा तो होगा, जो कि फिल्म अब रिलीज़ होने वाली भी है, कैसा लगा खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखकर और क्या कोई प्रेशर है, कोई नर्वसनेस है? ये बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत नर्वसनेस है मुझे, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ ये लोग एक्टिंग के माशाल्लाह बादशाह माने जाते हैं, बेताज बादशाह हैं ये सारे, और इन सब ने अपने अपने भरपूर काम किया हुआ है और बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है। अब इन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना ना मेरे लिए एक वो एक तो एज़ाज़ है पहली बात, सेकंड ये जो है फिर वो एक चैलेंजिंग भी हो जाता है आपके लिए कि इन सब के बीच में आपको कहीं नज़र आना कि हाँ भाई ये बंदा भी था जिसने थोड़ा बेहतर काम किया, ये करने के लिए जो है ना उसका प्रेशर तो ओवरऑल हमेशा ही रहता है, लेकिन ये लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्ट किया ये हमारी सारी टीम जो थे, तो इस वजह से नर्वसनेस है लेकिन कम है। टकसाली गेट बहुत डिफरेंट सा नाम है, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? इसका नाम टकसाली गेट इस वजह है कि ये एक टकसाली का जो एरिया है, जैसे आप लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उस एरिया की कहानी है, उस एरिया के घर की कहानी है, उन लोगों की कहानी है, तो इस वजह से इसका नाम हमने जो है वो टकसाली गेट रखा है, नहीं तो और भी बहुत सारे नाम आ रहे थे लेकिन इनका ये ज़्यादा, क्योंकि कल्चरल बहुत ज़्यादा रिच है, कल्चरली बहुत रिच नाम है ये, टकसाली का एक हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, तो इस वजह से हमने कहा ये सब चीज़ें जो लोगों के माइंड में रहे हैं।